हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूएई टी20 लीग की, जो कि एमआई एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल के बीच ये मैच होगा। इस पे मैं आपको फैंटेसी टीम भी दूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। लेटेस्ट न्यूज और लाइव अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड जो भी अपडेट होगा वो आपको लास्ट 20 मिनट में टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात करता हूँ एमआई एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल के बीच ये मैच होगा। इसमें 5,000 रुपए का फ्री गिफ्ट पे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा एंड सेकंड रैंक लाते हो आपको 300 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैच वेन्यू की, तो बता दूँ ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह यूएई में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये बैटिंग पिच है। अभी तक यहाँ पर टोटल 29 मैचेस प्लेड हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट वन 17 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 12 मैचेस। जो एवरेज इसको रहा है इस पिच का वो रहा है 151। फ्रेंड नेक्स्ट बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट की, तो बता दूँ जो यहाँ का तापमान रहने वाला है अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ इस स्टेडियम के अभी तक की रिकॉर्ड की, तो बता दूँ दोस्तों टोटल मैचेस 29 प्लेड हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट वन 17 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 12 मैचेस। परसेंटेज की बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट वन 58% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 41%। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है इस स्टेडियम का वो रहा है 151। फ्रेंड्स और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर रहा है 124 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का यहाँ पर 215 6 विकेट के साथ एंड लोवेस्ट टोटल 38 10 विकेट के साथ। फ्रेंड्स हाईएस्ट स्टेड जो यहाँ का स्कोर रहा है वो 179 6 विकेट के साथ एंड लोवेस्ट इवेंटेड 142 7 विकेट के साथ। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ एमआई एमिरेट्स की प्लेइंग 11 की, तो बता दूँ दोस्तों वसीम मोहम्मद, एंड्रे फ्लेचर, वस्टेलीडे, लॉरकेन टकर, निकोलस पूरन जो कि विकेट कीपर और कप्तान है दोस्तों एमआई एमिरेट्स के, डैन मॉसले, जॉर्डन थॉम्पसन, कैरिक ओवरटन, ब्रैड वील, जहीर खान, जहूर खान। दोस्तों ये प्लेइंग 11 है जो कि एमआई एमिरेट्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ दुबई कैपिटल की प्लेइंग 11 की, तो बता दूँ दोस्तों जॉर्ज मुनसे, रोमेन उथप्पा जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, दासुन सनाका, रोमेन पॉवेल, सिकंदर रजा, यूसुफ पठान जो कि कप्तान है दोस्तों दुबई कैपिटल के, जेक बॉल, एडम जैम्पा, राजा अकबुल्ला खान, फ्रेड क्लासेन, हजरत लिकमैन। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि पॉसिबल प्लेइंग 11 है दोस्तों दुबई कैपिटल की। फ्रेंड्स जो भी प्लेइंग 11 होगी वो आपको लास्ट 80 मिनट में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ एमआई एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों दुबई कैपिटल पिछले मैच जीतती हुई नजर आती है तो इसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, तो बता दूँ जो आज का टॉस जीतेगा वो अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन जो टॉस जीत सकता है वो दुबई कैपिटल टॉस जीत सकता है। फ्रेंड्स और पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ इन दोनों टीमों में हेड टू हेड मुकाबले की, तो एमआई एमिरेट्स एक भी मुकाबला नहीं जीता फ्रेंड्स और दुबई कैपिटल जो कि दो मुकाबला जीता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ एमआई एमिरेट्स के कुछ मुख्य खिलाड़ी की जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। जॉर्डन थॉम्पसन जो कि दोस्तों 48 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जहूर खान, एंड्रे फ्लेचर, निकोलस पूरन, वसीम मोहम्मद, दोस्तों ये पांच मुख्य खिलाड़ी हैं जो आप एमआई एमिरेट्स में अपनी प्लेइंग 11 में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ दुबई कैपिटल के कुछ मुख्य खिलाड़ी की जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हजरत लकमैन जो कि 172 पॉइंट्स के साथ हैं फैंटेसी में, तो आप इनको अपनी फैंटेसी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स फ्रेड क्लासेन जो कि 219 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी टीम में इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स दासुन सनाका 243 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी फैंटेसी टीम में इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एडम जैम्पा जो कि 323 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी टीम में फ्रेंड्स इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं दोस्तों ये। सिकंदर रजा जो कि 358 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स रोमेन उथप्पा जो कि दोस्तों 399 पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ एमआई एमिरेट्स बनाम दुबई कैपिटल के बीच कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो बता दूँ दोस्तों एडम जैम्पा,
जो कि दोस्तों 323 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं। एज अ वाइस कैप्टन आप स्मॉल लीग में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सिकंदर रजा जो कि 358 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको एज अ वाइस कैप्टन जीएल में दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। रॉबिन उथप्पा जो कि 399 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप जीएल में इनको एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंड्रे फ्लेचर क्योंकि दोस्तों 409 फैंटेसी पॉइंट अभी तक हासिल किए हैं उन्होंने, आप अपनी डीम टीम में एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। निकोलस पूरन जो कि 417 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, एज अ कैप्टन आप जीएल में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं दोस्तों। वसीम मोहम्मद 538 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप अपनी डीम टीम में इनको सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग में दोस्तों, पॉइंट टेबल की बात करूँ तो एमआई एमिरेट्स क्वालिफायर हो गई है, जिसमें 10 मैच प्लेड किए हैं, 5 मैचों में जीत हासिल की है और 4 मैचों में इनको हार का सामना करना पड़ा है। इनका नेट रेट 1.059 है दोस्तों, जो इनके पॉइंट है वो 11 पॉइंट हैं। दुबई कैपिटल की बात करूँ तो चौथे स्थान पर है, उन्होंने 10 मैच प्लेड किए हैं जिसमें 4 मैच में जीत हासिल किए हैं, 5 मैचों में इनको हार का सामना करना पड़ा है। इनका नेट रेट -0.386, जो इनके पॉइंट है वो 9 पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ अपनी फैंटेसी टीम की फ्रेंड्स, तो बता दूं विकेट कीपर में मैंने रॉबिन उथप्पा को सिलेक्ट किया है अपनी फैंटेसी टीम में। बैट्समैन में जॉर्ज मुनसे, रोमन पॉवेल, एंड्रे फ्लेचर, वसीम मोहम्मद को दोस्तों एज अ बैट्समैन अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है मैंने। आप भी अपनी फैंटेसी टीम में ये 4 बैट्समैन सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलराउंडर में दासिम सनाका, सिकंदर रजा, बीडी दोस्तों एज अ ऑलराउंडर मैंने 3 सिलेक्ट किए अपनी फैंटेसी टीम में। आप भी अपनी फैंटेसी टीम में ये 3 ऑलराउंडर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। बॉलर की बात करूँ तो जे वॉल, डी व्हील, एडम जेम्पा को दोस्तों 3 बॉलर अपनी फैंटेसी टीम में मैंने सिलेक्ट किए हैं, आप भी ये 3 बॉलर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने कैप्टन अपनी फैंटेसी टीम में रोमन पॉवेल को बनाया है, एंड वाइस कैप्टन मैंने सिकंदर रजा को बनाया। और फ्रेंड्स जो भी अपडेट होगा वो आपको लास्ट 8 मिनट में टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक भी आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।